अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर रिक्वेस्ट आई थी कि ये आप हमें बनाना सिखा दें, ये वाला प्रोजेक्ट। इसको आप बन कैप भी कह सकते हैं, स्कार्फ भी कह सकते हैं क्योंकि गले में भी पहन सकते हैं, मंकी कैप की तरह भी पहन सकते हैं, हेड बैंड भी पहन सकते हैं, मास्क की तरह भी पहन सकते हैं, आप इसको उबाया कैप करके भी पहन सकती हैं। बहुत सारे यूजेस हैं इसके, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है ये बिगनर के लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, इस तरह से सिखाऊंगी कि आप किसी भी साइज के लिए भी बना सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप नाप के भी आपको बताऊंगी, तो आप घबराएं नहीं, बिगनर भी हैं तो मेरे साथ शुरू करें। किसी भी साइज की सिलाइयां ले लें, किसी भी साइज की ऊन ले लें, बस नाप को फॉलो करते जाएं जो मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप ग्रुप का। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाते हैं ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस साइज के लिए जो मैं बना रही हूं 14 फंदे डाल लूंगी सिलाई पे। कास्ट ऑन 40 स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो, इफ यू वांट टू फॉलो दिस कास्ट ऑन मेथड सर्च कास्ट ऑन बाय क्लीनिट्स। आप किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल लें। अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय क्लीनिट्स। मैंने 14 स्टिचेस वी हैव हेयर, 14 फंदे मेरे पास हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब ये है कि मैं आपको नाप भी बताऊंगी, ये नहीं कि सिर्फ मैंने आपको बोला है कि इतने फंदे डालने हैं तो आप इतने फंदे डाल लेंगे। नाप इसलिए मैं बताती जाऊंगी आपको कि आप मुख्तलिफ साइज की सिलाइयां जब इस्तेमाल करते हैं ना, अलग अलग छोटी बड़ी सिलाई और ऊन धागा वागा, तो आपको अलग नाप मिलती है, तो नाप आपकी सीधी रहे इसलिए मैं आपको नाप बताती जाऊंगी। आप फंदे कम ज्यादा डाल सकते हैं, फंदे डाल लिए। अब हमने क्या करना है, रो वन निट ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा, तो हमने क्या करना है, फिलहाल सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। ये रो वन कंप्लीट हो गई है, अब रो टू भी रो वन की तरह ही होगी। पहली सिलाई हमारी पूरी हो गई, सारे फंदे सीधे बुन लिए, अब दूसरी सिलाई भी सारे फंदे सीधे ही बुनेंगे। यही एक सिलाई आपने रिपीट करते जाना है जब तक आपको नाप नहीं मिल जाती है जितनी आपको चाहिए। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि मुझे क्या मिली है। जस्ट कीप रिपीटिंग रो वन, कीप निटिंग द एवरी रो, इट्स बेसिकली कॉल्ड अ गार्टर स्टिच, टिल यू हैव द मेजरमेंट यू वांट। आई विल शो यू द मेजरमेंट्स। आपको मैं नाप के बताती हूँ कि मुझे कितनी लेंथ मिली है जिसके बाद मैंने फंदे बढ़ाना शुरू किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। 2.5 इंच बिना खींचे मुझे इसकी लेंथ मिली है, without stretching 2.5 inches length I have. Now what I'm going to do, I'm going to start increasing the stitches. Length मिल गई है हमें, अब हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। देखें आप सिलाई अगर ridges भी गिनना चाहें तो ridges गिन सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, but आप length को follow करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ से हम design शुरू करेंगे, फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो हमने पहले क्या करना है, 6 फंदों को हमने सीधा सीधा बुन लेना है। राइट साइड नेट 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे, 2, 4, ये 6, ये सीधी साइड है और हमने क्या किया, 6 फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर हमने क्या करना है, इधर मार्कर लगा देना है, अगर आपके पास स्टिच मार्कर भी लगा दें, वैसे ना भी लगाएं और बिगनर नहीं हैं आप तो कोई मसला नहीं, ना लगाएं नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप भूल जाएं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, मार्कर से मार्कर के पास से फंदे बढ़ाने हैं ना, इसलिए आपने क्या करना है, मार्कर लगाएंगे तो आपको आसानी होगी। एंड मेक वन, मेक वन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मेक वन मतलब एक फंदा बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो फंदा बढ़ाना है फिर आप किसी भी टेक्निक से बढ़ा लें। यू कैन इंक्रीज द स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो और फॉलो दिस वन, ओके। निट 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे बुने, पुट द मार्कर, प्लेस मार्कर PM, एंड देन मेक वन मीन्स इंक्रीज वन स्टिच। हमने क्या करना है, अब फंदा बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, यहां से मैंने लूप उठाया, इधर रख दिया और इसको यूं नहीं बुनूंगी, यहां से ये देखें बैक लूप से बुनूंगी ताकि होल ना बने ज्यादा, ठीक है। तो ये देखें मैंने एक फंदा बढ़ा दिया। PM मतलब प्लेस मार्कर, मेक वन मतलब
M1 मतलब मेक वन, एब्रीविएशंस मैंने सारी दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में और मैंने सेपरेटली भी वीडियोस बनाई हुई हैं, बताई हुई हैं हिंदी उर्दू में भी, तो आप देख सकते हैं वो। इंक्रीज वन स्टिच, निट टू स्टिचेस, ये दो फंदे आपने इसी तरह से ही बुन लेने हैं। दो फंदे इधर सीधे बुने, अब क्या करेंगे, एक फंदा बढ़ाएं, निट टू स्टिचेस एंड देन मेक वन अगेन विद द सेम मेथड। लुक, इसे क्या होता है, होल नहीं बनता है आपका। तो अब क्या करेंगे, फिर से आप मार्कर लगा लें, मतलब छह फंदों के बाद यहां पे और छह फंदों से पहले आपने इधर मार्कर लगाना है। ये सिर्फ आपको पता लगेगा कि डिवाइड मैंने कहां से किया है। अब छह फंदे बचे, नाउ नेट दीज सिक्स स्टिचेस, ये छह फंदे हम क्या करेंगे, सीधे बुन लेंगे। इसके बीच में आप डिजाइन भी रख सकते हैं, मैं आपको प्लेन बता रही हूं तो आप डिजाइन भी रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपने सीखना है तो नीचे कमेंट करें। रो टू रॉन्ग साइड, सी आफ्टर निटिंग दिस पार्ट रो वन राइट साइड एंड देन रो टू रॉन्ग साइड, निट सिक्स स्टिचेस, छह फंदे सीधे बुन लें आप उसी तरह से, क्योंकि साइड से जो बॉर्डर में रख रही हूं वो है भाई गार्टर स्टिच वाला, जिसमें आपने सीधे उल्टे साइड की सारी सिलाइयां सीधे फंदे बुनने हैं। तो ये देखिए छह फंदे हो गए साइड पे। अब आपने क्या करना है, स्लिप मार्कर, एस एम मतलब स्लिप मार्कर, मार्कर स्लिप किया। अब धागे को आपने क्या करना है, आगे कर लेना है, ये देखें आगे आ गया धागा। नाउ पर्ल टू द नेक्स्ट मार्कर, पर्ल ऑल स्टिचेस टू द नेक्स्ट मार्कर, भाई अगले मार्कर तक आपने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं, या फिर आपका डिजाइन जैसे आपको बोलेगा ना कि कोई अगर आपने डिजाइन रखा हुआ है तो आप उस हिसाब से बुन ले उस डिजाइन को, सीध स्टिच है कोई और डिजाइन है एक दो फंदे वाला, शुरुआत करेंगे ना आप यहां से ही अगर कोई डिजाइन रख रहे हैं तो। तो अगेन क्या करना है, स्लिप मार्कर, धागा पीछे, स्लिप मार्कर, यार्न बैक एंड निट सिक्स स्टिचेस, निट ऑल, रो टू इज completed. Now keep repeating these two rows just till you have the width you want for the band or a cap, whatever you say. आप यही दो सिलाइयां रिपीट करते जाएंगे जितनी देखें आपको विड्थ चाहिए। मैंने कहा था ना, बच्चे के लिए अगर बनाना है तो आप छोटी विड्थ रख लें, बड़े के लिए बनाना है तो उसको और फंदे बढ़ाते जाएं, उसकी विड्थ जो होगी बैंड की वो बढ़ जाएगी। ये मैं आपको आगे भी चल के बताती हूँ कैसे, सही है। अब मैं फिर से करके दिखाती हूँ बिगनर के लिए ताकि उनको हेल्प हो। आई एम गोइंग टू शो फ्यू मोर टाइम टू हेल्प बिगनर। देखें नेट सिक्स स्टिचेस, छह फंदे सीधे बुन लें राइट साइड, थर्ड रो सेम एज रो वन, नेट सिक्स, स्लिप मार्कर, मेक वन, एक फंदा बढ़ाया, ये देखें राइट साइड से फंदे बढ़ाने हैं हमने मार्कर से, यहां पे मार्कर के बाद यहां से मार्कर से पहले, और रॉन्ग साइड से बस उल्टे बुन लेने हैं फंदे, या जैसे डिजाइन कहेगा। अब क्या करेंगे, निट टू द नेक्स्ट मार्कर, अगले मार्कर तक सारे फंदे सीधे बुन लें। नाउ मेक वन, एक फंदा बढ़ाएं आप यहां पे अब, और ये वाला स्लिप करें यहां पे, स्लिप द मार्कर, सो ये बड़ा हो गया, आप छोटा भी बना सकते हैं। नाउ निट सिक्स स्टिचेस, राइट साइड से मैंने क्या किया, मार्कर से यहां पे बाद में और यहां से पहले मैंने एक एक फंदा बस बढ़ा लिया। तो बस आपने क्या करना है, बढ़ेंगे फंदे खाली सीधी साइड से। यू आर गोइंग टू इंक्रीज स्टिचेस ओनली फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम रॉन्ग साइड इट विल बी सेम, जस्ट निट सिक्स स्टिचेस, उल्टी साइड से सारी सिलाइयां बस सेम ही होंगी, कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, बॉर्डर के छह फंदे सीधे होंगे और उसके बीच वाले सारे डिजाइन के हिसाब से जाएंगे, या आप उल्टे बुन लें क्योंकि मैं स्टॉकनेट स्टिच बुन रही हूं। ये देखिए स्लिप करें, धागा आगे, और पर्ल टू द नेक्स्ट मार्कर, मार्कर ना भी हो ना तो कोई मसला नहीं, अगर आपको थोड़ी टाइम बाद ना दिखने लगेगी डिजाइन क्लियर क्लियर, जो बिगिनर नहीं है उनको तो अब जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब मार्कर को स्लिप करें, सॉरी मार्कर को स्लिप किया, धागा पीछे किया और छह फंदों को सीधा बुन लिया। ये देखें, ये आप इस तरह से
इसको फिफ्थ रो से मैं 01, यू कैन सी द शेप इज कमिंग नाउ, आप देख रहे हैं शेप आ रहा है, ये दो फंदे थे और ये हमने बढ़ाए हैं, इसी तरह बढ़ते जाएंगे शेप दिखता जाएगा, और जैसे जैसे अगर आप डिजाइन रखना चाह रहे हैं ना, जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे वो आप डिजाइन में लाते जाएंगे। रो से मैं 01, लेट मी शो वन मोर टाइम टू हेल्प अ बिगनर, एक दफा और दिखाती हूँ भाई बिगनर्स की हेल्प के लिए। ये देखो ना, छह फंदे बॉर्डर वाले आपने इसी तरह ही सीधे सीधे रखने हैं क्योंकि गार्टर स्टिच आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला स्लिप करें मार्कर, मार्कर को स्लिप किया। अब राइट साइड से नोट किया होगा कि फंदे तो सारे हम सीधे ही बुन रहे हैं, फंदा बस बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखें, एक बढ़ाया, मेक वन, निट टू द नेक्स्ट मार्कर, जस्ट इंक्रीज आफ्टर एंड बिफोर दिस मार्कर, जस्ट इंक्रीज द स्टिचेस आफ्टर दिस मार्कर बिफोर दिस मार्कर एंड निट ऑल। लुक एट दिस अगेन, पिक इट अप, फिर से भाई इसको आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से रखा और बैक लूप इस तरह से भी आप निडल डाल सकते हैं, इस तरह से जल्दी डल जाती है, बड़ा कोई मसला नहीं। ये देखें इस तरह से आपने फंदा बढ़ा लिया है, इससे ये होगा कि ज़्यादा लूप नहीं बनते आपके। ओके, मेक वन स्लिप मार्कर, एक फंदा बढ़ाया, मार्कर को स्लिप किया, और ये छह फंदे आपने क्या करना है, अब सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये हमारी पाँचवीं सिलाई हो गई, रिपीट में देखें, सिक्स्थ रो छठी सिलाई उसी तरह से देखें, छह फंदे सीधे बुन लें, सिक्स्थ रो निट सिक्स स्टिचेस, स्लिप द मार्कर, धागे को आगे करें, पर्ल टू द लास्ट, पर्ल टू द नेक्स्ट मार्कर और लास्ट मार्कर, वट एवर यू से, आपने उल्टे बुन लेने हैं सारे फंदे अगले मार्कर तक, और उसके बाद फिर बॉर्डर के छह फंदे आपने फिर से सीधे बुन लेने। ये देखें इसको स्लिप करें, स्लिप धागा पीछे, अब इन छह फंदों को आपने सीधा बुन लेना है। बस बॉर्डर का दिमाग में रखना है कि छह छह फंदे दोनों साइडों से आपने सीधे, राइट साइड से भी सीधे, रॉन्ग साइड से भी सीधे, लाइन को बीच में बस फॉलो करें, बस इसी तरह से बढ़ाते जाएं, इस तरह से आपको शेप दिखता जाएगा। जहां तक आपको विड्थ चाहिए ना कि भाई कितना चौड़ा आपका बैंड होगा, वहां तक आप स्टॉप कर देंगे। मैं अब यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों साइडों से इंक्रीजेस कर करके फंदे बढ़ा बढ़ा के इतना बुना है। मैं आपको नाप भी बताती हूँ और फंदे कितने हैं मेरे पास में वो भी बताती हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि आपको स्टॉप कहाँ पे लगाना है। आपने नाप को फॉलो करना है ना, आपने फॉलो नहीं करना कि कितनी रोज हैं, कितने फंदे हैं हमारे पास। लेकिन मेरे पास यहाँ पे 42 फंदे हैं यहाँ पे सिलाई पे। आई हैव 42 स्टिचेज ऑन द निडल, बट यू विल फॉलो द विड्थ एंड मेजरमेंट। विड्थ आप देखेंगे कि आपको कितनी, और विड्थ भी आप क्या कर सकते हैं, छोटी बड़ी रख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, और बच्चे बड़े के लिए अगर बनाना चाहें तो। मैं आपको समझाती हूँ, पहले मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बता देती हूँ। लेंथ मेरे पास जो इसकी है वो यहां तक है मेरे पास 6 इंच मेरे पास इसकी लेंथ है अभी। 6 इंच लेंथ आई हैव हेयर, आई हैव स्टॉप्ड इंक्रीजेस हेयर, I have 42 stitches, but you will follow the width. तो देखिए मेरे पास DPN से तो मैं इसको ज्यादा खींच नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। मैं फाइनल जब पूरा हो जाएगा ना, तब भी आपको नाप इसकी बता दूंगी, फिनिशिंग वाली नाप। तो इसकी जो width है वो है 7.5 inches तक, 7.5 inches width I have. Now what we will do? We will start knitting without increasing any stitch. Then we will start decreasing from the other side. भाई अभी हमने क्या करना है, हमने फंदे बढ़ा लिए, जितनी हमें विड्थ चाहिए थी ले ली। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि अगर आपने और बड़ी साइज के लिए बनाना है तो आप यहाँ पे इंक्रीजेस करके विड्थ बढ़ा सकती हैं। विड्थ मतलब चौड़ाई आपके बैंड की, यहाँ पे देखें विड्थ इसको बोल रही हूँ। अपने बच्चे के लिए बनाना है तो आप और कम कर सकती हैं, कि इंक्रीजेस कर लेने के बाद जब आपको विड्थ मिल जाती है चौड़ाई, तो ये राइट साइड है हमारे बैंड की, ये उल्टी साइड है ना, ये राइट साइड है, सीधी साइड। तो सीधी साइड से मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। आपने नेट ऑल स्टिचेस नेक्स्ट रो राइट साइड, भाई अगली सिलाई आपकी सारे फंदे बढ़ा लिए, ठीक है, विड्थ मिल गई, ठीक है। अब राइट साइड सीधी साइड है ये, और इधर से आपने क्या करना है, नेक्स्ट रो हमारी आप सारे फंदे जो है वो
सीधे बुन लेंगे। दिखाना चाहती हूँ बिगनर को, देखिए मैं कोई फंदा नहीं बढ़ा रही हूँ, सीधा सीधा ही बुन रही हूँ, कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, बस जो बढ़ाया था उसके बाद रिटर्न गई, उसके बाद मैं आपको राइट साइड से ये बन करके दिखा रही हूँ। बस ये हमारी पूरी सिलाई सीधी जाएगी। अब इसी तरह ही राइट साइड की सारी सिलाइयाँ इसी तरह बुनेंगे, सीधे सीधे फंदे। अब रॉन्ग साइड का क्या होगा, वैसे ही होगा जैसे रॉन्ग साइड का हमें करते आ रहे हैं, भले जब इंक्रीजेस भी कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ये छह फंदे सीधे बुनेंगे, नेट सिक्स रिटर्न रो, नेक्स्ट नेट सिक्स स्टिचेस, दो चार पांच छह नेट सिक्स, देन पर्ल टू द लास्ट सिक्स स्टिचेस, आखिरी छह फंदों तक सारे फंदे बीच में उल्टे बुन लेंगे। दो चार छ, छ है ना, तो ये भी उल्टा और ये भी उल्टा, दो चार छ। अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा बुन लेंगे, ये देखिए धागा पीछे किया और सीधा। अब यही दो सिलाइयां आपने इसी तरह रिपीट करते जानी है बगैर फंदे बढ़ाए। फिर मैं आपको नाप के दिखाऊंगी, यहां तक मुझे 10 इंच की लेंथ मिली है, सिलाई के ऊपर से नाप रही हूं। यू कैन सी 10 इंच लेंथ आई हैव नाउ। आफ्टर वी इंक्रीज हियर वी विल डिक्रीज हियर, लेट मी शो यू राइट साइड, वी विल काउंट फ्रॉम रो वन फॉर डिक्रीजिंग पार्ट फॉर शेपिंग रो वन। भाई शेप देने की पहली सिलाई से हम गिनना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं ये सीधी साइड मैंने रखी है, आप जो सीधी साइड रखें आपकी मर्जी है, ये वाली रखें ये वाली रखें आपकी मर्जी है। तो भाई राइट साइड से हम इसको शेप देना शुरू कर रहे हैं पहली सिलाई फंदे घटाने की। तो आप मार्कर फिर से लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, बस क्या करेंगे छह फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू प्लेस मार्कर, यू आर अ बिगनर, यू कैन प्लेस मार्कर आफ्टर सिक्स स्टिचेस, knit six stitches, or you can just see this is the different design, different this is the garter stitch, knit six and knit two together. छह फंदे आपने क्या करना है, सीधे बुन लेने हैं और दो को आपने साथ बुनना है इधर, knit two stitches together. Now knit to the last eight stitches, knit all stitches to the last eight stitches. आप ने कोई भी डिजाइन रखी हो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा बुन लेंगे आखिरी आठ फंदों तक। यहां पे मैंने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं, या जिस तरह से आप डिजाइन बुनना चाह आपकी डिजाइन है वो बुन के आखिरी आठ फंदों तक उसी तरह बुन लेंगे। क्योंकि ये देखिए छह तो बॉर्डर वाले हैं और दो को हमने क्या करना है, साथ बुनना है अपने डिक्रीजिंग पार्ट के लिए, फंदे घटाने के लिए। तो हमने क्या करना है, दो को हम साथ बुन लेंगे, निट टू टुगेदर एंड निट सिक्स स्टिचेस ऑफ बॉर्डर। छह फंदे बॉर्डर वाले तो हम सीधे ही बुनेंगे, उससे पहले हमने क्या किया, दो का एक किया। गौर से देखिएगा, यही बस दो सिलाई आपने रिपीट करने जानी है जो मैं अभी बताऊंगी। पहली हो गई, अब दूसरी सिलाई, रो टू रॉन्ग साइड निट सिक्स स्टिचेस, छह फंदे आपने क्या करने हैं, बॉर्डर वाले आपने सीधे ही बुन लेने हैं क्योंकि गार्टर स्टिच है। अब धागा आगे करेंगे, यार्न फ्रंट एंड पर्ल टू द लास्ट सिक्स स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे आखिरी छह फंदों तक। यहाँ पे देखें आखिरी छह फंदों तक मैंने सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब ये आखिरी छह फंदे धागा पीछे करके पीछे किया, यार्न बैक, नाउ नेट दीज सिक्स स्टिचेस, छह फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं बॉर्डर के। अब यही जो हमने दो सिलाइयां बुनी हैं आपने रिपीट करते जानी है जब तक आपके पास वापस 14 फंदे नहीं बचते सिलाई। नाउ कीप रिपीटिंग लास्ट टू रोज टिल यू हैव 14 स्टिचेस लेफ्ट ऑन द निडल। आई विल नाउ लेट मी रिपीट लास्ट टू रोज वन मोर टाइम टू हेल्प अ बिगनर्स। बिगनर्स की हेल्प के लिए मैं एक दफा और आपको रिपीट करके बता देती हूँ। छह फंदे आपने बॉर्डर वाले सीधे बुन लेने हैं, ये देखें दो चार पांच छह, छह फंदे आपने बॉर्डर वाले क्या किया, सीधे सीधे बुन लिए गार्टर स्टिच वाले। अब क्या करेंगे, दो फंदों का एक करेंगे, निट टू स्टिचेस टुगेदर जिसे बोलते हैं, उसके बाद सारे फंदे बीच में सीधे, निट टू द लास्ट एट स्टिचेस, आखिरी आठ फंदों तक, आखिरी आठ फंदों तक मैंने देखें सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब निट टू टुगेदर करूंगी, दो फंदों का एक करूंगी और फिर आखिरी वाले जो छह फंदे सीधे बुनूंगी, निट टू टुगेदर, नाउ निट सिक्स स्टिचेस, एक दो तीन चार पांच छह,
ये देखिए पहली सिलाई की तरह ही मैंने बुनी है, कोई चेंज इसमें नहीं आया है। फोर्थ रो सेम एज रो टू ऑफ डिक्रीजिंग पार्ट, निट सिक्स, छह फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। भाई जैसे दूसरी सिलाई बुनी ना फंदे घटाने वाली शेपिंग वाले पार्ट की दूसरी सिलाई, उसी तरह ही छह फंदे सीधे धागा आगे करेंगे और आखिरी छह फंदों तक सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। निट सिक्स, नाउ पर्ल ऑल स्टिचेस टू द लास्ट सिक्स स्टिचेस। आखिरी छह फंदों तक सारे उल्टे बुने, अब धागा पीछे करके छह फंदे आप सीधे बुन ले। निट सिक्स, यही बस अब दो सिलाइयां जी रिपीट करते जाएं आप लोग जब तक 14 फंदे नहीं बचते। जस्ट कीप रिपीटिंग द लास्ट टू रोज टिल यू हैव 14 स्टिचेस ऑन द निडल। यहां पे आप देखें कि मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है, जहां पे मैंने इधर से भी फंदा घटाया इधर से भी, तो बीच में वापस हमारे पास दो बचे, तो टोटल हमारे पास कितने हैं यहाँ पे देखें, दो चार छः आठ दस बारह चौदह, 14 फंदों से शुरू किया था, 14 फंदों पे खत्म किया है। तो ये राइट साइड हमने बुन ली है, वी आर डन विद ऑल डिक्रीजेस, वी हैव 14 स्टिचेस हेयर एंड एज यू कैन सी वी आर डन विद द राइट साइड रो। नाउ रिटर्न रो व्हाट वी विल डू इज निट ऑल स्टिचेस। अब ये क्या करेंगे, इस तरह से हमने गार्टर स्टिच सीधा सीधा बुनना है ना, गार्टर स्टिच बुनना है, कोई फंदा नहीं घटाएंगे, तो हमने रिटर्न रो से ही शुरू कर देना है, सारे फंदे सीधे। अब सारे फंदे और सारी सिलाइयां सीधी होंगी जब तक हमें सेम उतना, यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 10 गार्टर स्टिच की ना, इधर भी 10 गार्टर स्टिचेस की रिजेस होंगी। निट ऑल स्टिचेस, नाउ एवरी रो फ्रॉम राइट साइड एंड रॉन्ग साइड वी आर गोइंग टू जस्ट निट ऑल स्टिचेस, ऑल रोज ऑल स्टिचेस, बिकॉज इन गार्टर स्टिच वी निट ऑल रोज। ये देखें पहली सिलाई पूरी हो गई है यहाँ पे, अब रो टू भी उसी तरह ही रिपीट द सेम रो। अब ये देखें सीधे फंदे बुन लिए ना, अब हमारा ये वाला बॉर्डर हो रहा है शुरू, तो फिर से हमने क्या करना है, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, निट ऑल स्टिचेस अगेन। सो जस्ट कीप रिपीटिंग दिस रो, निट ऑल स्टिचेस टिल यू हैव 10 गार्टर स्टिच रिजेस फ्रॉम दिस साइड एज वेल। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, 10 गार्टर स्टिच रिजेस हमारी यहाँ पे पूरी हो गई हैं। राइट साइड है ये, 10 गार्टर स्टिच रिजेस वी हैव सेम इज हेयर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। अब सारे फंदे बंद कर देंगे राइट साइड से, और तरीका मैं आपको बता रही हूँ कैसे, आप इसे किसी भी तरीके से बंद कर सकते हैं, यू कैन बाइंड ऑफ स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो और जस्ट फॉलो दिस मेथड। ओके, निट दीज टू स्टिचेस टुगेदर थ्रू बैक लूप, इन दो फंदों को हमने देखें साथ में बुन लिया है इस तरह करके पीछे वाले लूप से। अब इसको क्या करेंगे, वापस रखेंगे इधर, फिर से हमने क्या करना है, इन दोनों फंदों में यू निडल डालेंगे थ्रू बैक लूप, इनको हमने क्या करना है, सीधा बुन लेना है इस तरह से, और इस तरह से आपके फंदे बंद होते जाएंगे। ये बाइंड ऑफ मैंने सिखाया हुआ है ऑलरेडी आपको, और मेरे चैनल पे शॉर्ट्स पे भी होगा ये तरीका, शॉर्ट्स पे थोड़ा सा फास्ट होगा, वीडियो मैंने सेपरेटली इसकी बनाई हुई है, आप सर्च करें बाइंड ऑफ बाय क्लीड नेट्स। देखिए सिंपल तरीका है, बस आपने फंदों को दो को साथ बुनते जाना है, दो को साथ बुनते जाना है, बट इस तरह से नहीं, इस तरह से बस आपने सारे 14 स्टिचेस को क्लोज कर देना है, ये वापस रखें और इनको साथ में बुन लें। अब हमारे सारे जो फंदे हैं वो बंद हो गए हैं स्टिचेस, धागे को हम सिक्योर करके काट लेंगे, उतना काटेंगे जितना हमें साइड सीने के काम आ जाए, ये इस तरह से। अगर यहाँ पे ज़्यादा धागा होता तो हम यहाँ से नहीं छोड़ते, लेकिन अब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ये वेविन करेंगे और इधर से हम थोड़ा सा ज़्यादा धागा काटेंगे ताकि हम इसकी साइड सी सकें। ये इसको खींचें आप, धागा सिक्योर हो गया, आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बैंड तैयार हो गया है, बैंड बोल लें बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी पिक्चर्स भी आपने देखी होंगी कि ये मल्टीपर्पज़ है,
आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस इसको सी लेंगे, सी के हमने वेव इन कर देना है। सीएंगे कैसे, आप किसी भी तरीके से सी लें, जो भी तरीका आपको आता हो, आप उल्टा पकड़ के सी लें, इस तरह से सी लें, जिस तरह से आपको इजी लगता हो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम कोने पे फंसा लेंगे इधर, अब हमने क्या करना है, ये आप देख रहे हैं वी शेप की तरह, आपने इसकी आउटसाइड लेग लेनी है यहाँ से और यहाँ से भी, ये दो वी शेप की तरह है ना, इसका बाहर वाला लूप। फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें वी शेप है ना, इस तरह से वी शेप है, यहाँ पे भी ये वी शेप है, इसकी आपने बाहर वाली ये इस तरह से लेग भी कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं, ले लेना है और इसको बंद करते जाना है। आप, मैंने जैसे बोला है आपको कि कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लें, इससे ये होता है कि इसकी सिलाई अंदर से चुभेगी नहीं आपको। मैं जब भी आपको सॉक्स वगैरह या बेबी बूटी सिखाती हूँ उसमें इसी तरह से मैं फंदों को बंद करती हूँ, सीती हूँ साइड्स को, ताकि बच्चे को चुभे ना। ये देखिए अंदर से भी इसी तरह ही होगा। तो इसी तरह से आप बंद करते जाएं। कंप्लीटली इसको हमने बंद कर दिया है, अब इसकी बस फिनिशिंग के लिए आपने इधर से टाका लगा देना है। ये देखें अब रॉन्ग साइड पे आप वेव इन कर देंगे, बैक साइड पे आपने इसको वेव इन कर देना है। वेव इन किसी भी तरीके से कर दें, आपको जैसे भी आता हो, मैंने वैसे सिखाया हुआ है। कैप हेयर बैंड रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, ये बनाइएगा जरूर और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पिक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। ये आप बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने लिए भी बनाएं, बच्चों के लिए भी बनाएं। अब सर्दियां आ रही हैं तो जल्दी से बना लें और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।